आप नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम के महीने में देखा गया है कि लोग घड़ा लेके आते, कलम लेकर आते हैं। तो वैसे ही मुहर्रम के 10 तारीख को देखा जाता है कि कसिया भगवान में अपना अपना घड़ा को लेकर आते हैं, निशान को लेकर आते हैं, ताजिया को लेकर आते हैं ठंडा करने के लिए। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे सामने में यहाँ एक बैनर है, मुहर्रम क्विज कमेटी। जी हाँ, मुहर्रम क्विज कमेटी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम को जिस तरीके से कसिया भगवान में निशान लाया जाता है ठंडा करने के लिए, तो आज यहाँ पर मुहर्रम क्विज कमेटी की तरफ से एक मीटिंग किया गया। देख सकते हैं बैनर में यहाँ पर मुहर्रम क्विज कमेटी इन कोऑपरेशन विद कड़ाया पुलिस स्टेशन के साथ में मिलकर यहाँ पर एक ज्वाइंट मीटिंग किया गया, जिसके चीफ पैट्रोन थे जनाब जावेद अहमद खान, जो मिनिस्टर इन चार्ज है गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के। उनके साथ साथ यहाँ पर जो मुहर्रम क्विज कमेटी के चेयरमैन है माखन लाल जी, वो भी मौजूद थे। और उनके साथ साथ जो मुहर्रम क्विज कमेटी के प्रेसिडेंट है जनाब सऊद अहमद वासी साहब। तो यहाँ पर 65 नंबर वार्ड से हर कोने कोने से यहाँ पर लोग आए थे। और जिस तरीके से देखा जाता है पूरा टोटली मुहर्रम पे 10 तारीख को हर कोने कोने में हर छोटे छोटे कमेटी की तरफ से स्टेज बनाया जाता है, तो उसी तरीके से इस साल भी इंतजाम किया गया है और बहुत सारा बात रखा गया है ये मुहर्रम क्विज कमेटी की तरफ से इस मीटिंग में, कि किस तरीके से अखाड़ा को ले आया जाए, किस तरीके से गाइडलाइंस के अंदर में अखाड़ा को ले आया जाए। और बहुत ऐसे जो खलीफा रहते हैं जो अपने अखाड़ा को लेके आते हैं, अगर उनको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो मुहर्रम क्विज कमेटी की तरफ से हर जगह वॉलंटियर्स रहेगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए, बहुत सारे यहाँ पर शख्स है, बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं जो आए हुए यहाँ पर, हम लोग उनसे बात करते हैं। जाने ये है कि क्या नाम है, मुहर्रम हो, ईद हो, पूजा हो, ये सब हम लोग का पर्व है, उत्सव है, इसको ठीक तरीके से मनाना चाहिए, सिस्टम से मनाना चाहिए। इसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, पहले से बहुत अच्छे तरीके से मुहर्रम का जो जुलूस होता है, अखाड़ा होता, ताजिया होता, उसको आज के दिन में जो लोग खलीफा है लोग कंट्रोल करके लाते हैं, ठीक तरीके से मनाते हैं। और इस साल भी उम्मीद है कि पहले से अच्छा ही होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें हजार हजार लोग का पार्टिसिपेशन होता है, जिस उत्सव में लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सब में कोई तरह की गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं बैठे हुए जिनका मंशा रहता है कि कुछ ना कुछ एक तो गड़बड़ी करना चाहिए। तो बंगाल एक ऐसा जगह है कि बंगला के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो लोग कभी भी क्या नाम है ऐसे लोगों को फरोग नहीं देंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे और रोकेंगे। जो लोग दंगा में विश्वास रखते हैं, जो लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, थाना पुलिस रहता है, हम लोग सब मिलकर इसको, ताकि एक अच्छे तरीके से हम लोग कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको मना सके, उत्सव को मना सके। और खलीफा लोग जो है उन लोग से हम लोग ने अपील की है, लोगों से भी अपील करेंगे, और वॉलंटियर भी रहेगा, पानी का इंतजाम भी रहेगा, रास्ता घाट भी साफ सुथरा रहेगा। और पीस कमेटी का इनिशिएटिव में ही ये मीटिंग हो रहा है, ताकि सब लोगों को और लोग पहचान भी सकें कि कौन खलीफा है, और सब लोग खलीफा लोग भी पहचान सकें पीस कमेटी के कौन लोग हैं। उन लोग से गुजारिश किया गया है कि आप पीस कमेटी को अपना जो लोग आपको वॉलंटियर का उसका नाम, आपका खलीफा का नाम, टेलीफोन नंबर दे के रखिएगा, पीस कमेटी का भी नाम नंबर रखिएगा, कोई भी अगर दुश्वारी आए तो उसमें पीस कमेटी के लोग आगे बढ़ेंगे। और ये त्यौहार जो है मुहर्रम का, ये तोपसिया हो या ब्राइट स्ट्रीट हो या कहीं से भी हो, कलकत्ता से सब लोग यहाँ आते हैं ताजा को ठंडा करने के लिए कसिया बगान के मैदान में, तालाब में। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। माखन लाल दास भी यहाँ पर है, आपके तृणमूल के समाज सेवी भी है, तृणमूल का बड़ा नेता भी है, जॉनी भी है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे अजहर भाई भी हैं, बोरा भाई भी हैं, राउत भाई भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और तमाम लोग हैं। बोरा भाई हम लोग पुराने हैं, पुराना पापी, तो वो भी है हम लोग साथ में, मोनू भी है, हम लोग सब मिलकर इस प्रोग्राम को और अच्छा से अच्छा तरीके से मनाया जाए, इसका इंतजाम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही हर साल जैसा तैयारी होता है, इस साल भी वैसे ही तैयारी है। मुहर्रम क्विज कमेटी के तमाम वॉलंटियर्स और कमेटी के तमाम जिम्मेदार, जिन लोग पोर्टफोलियो होल्डर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है और कमेटी मेंबर है, इसके अलावा हर इलाके में हर 4 नंबर ब्रिज, डॉक्टर ब्रिज लोहा स्ट्रीट, लोहा पुल, संतोदा रोड, ब्राइड स्ट्रीट, कुछ मॉल के पास तक जाकर के वहां तक का हम लोगों का काम रहता है। और उधर आपको बीज वो पार 10 नंबर बस्ती खाल पार से, वहां से खाल पुर से वहां से भी रहता है, 7-8 कैंप रहता है,
जो कुछ कैंप प्राइवेट बनता है, जो मोहल्ले का लड़का लोग बनाता है, और कुछ कैंप सरकारी तौर पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनता है। और ये सारा जगह पर हमारा वॉलंटियर रहता है। यही अभी 4 नंबर ब्रिज से जो अभी क्रॉसिंग होगा, आप इंटर कीजिएगा यहाँ पर ही, तो उसी मोर्चा पर हमारा वॉलंटियर्स मिलेंगे। वहाँ पर ही जो है सब्जी वगैरह है, चीका वगैरह है, लोग रहेंगे। यहाँ पर आ जाइएगा TRA हॉस्पिटल के पास में, यहाँ पर ही है मसूद है, मोना है, मकबूल वारसी है, इन लोग रहेंगे। बच्चा हॉस्पिटल के पास में रफीफ है और उनका साथ में उनका सब वॉलंटियर्स रहेगा। आपको उससे आगे बढ़ेंगे ऑटो स्टैंड के पास में, जो बाकी वो खुद रहेगा, उसके वॉलंटियर्स रहेंगे। लोग ये जो वहाँ पर इन साल है और बहुत सारे लोग हैं, उनके वॉलंटियर्स रहेंगे। इसके बाद में मियाँ जान उस्ताद आलम सनराइज क्रॉसिंग नाजहत हुसैन जो है गया यूज करके, उनके वॉलंटियर सब रहेंगे। रेड स्ट्रीट मॉल पर मोहल्ला अमन कमेटी ने अभी राजा भाई हमारे कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके तमाम रजाकार रहेंगे रेड स्ट्रीट में। और इसी तरह से आपको आबिद भाई है मौलाना अबुल कलाम आजाद कमेटी के, वो लोग भी रहेंगे। इससे आगे जॉनी भाई आ गए, जॉनी भाई जो है वो आपको उस पार में, यानी कि मैन उस पार में जॉनी भाई का उनका पूरा इंचार्ज है, उनका पूरा जिम्मेदारी है, उनके नेतृत्व में वहाँ पर पूरा काम होगा। तो मुहर्रम के मौका पर जो जो चीज़ की जरूरत पड़ता है, वो सारा चीज़ के अलावा आपके और कमेटी में लोग ज्यादा जुटे हैं, ज्यादा लोग हुए हैं, पहले का बनिस्बत अभी और ज्यादा अच्छा से अच्छा काम होगा, लोगों को सहूलत दी जाएगी, अब वॉलंटियर ज्यादा से ज्यादा रहेगा, काम अच्छे से अच्छा। संत लेने का नहीं है, कुछ एक्शन हम लोग क्या लेंगे, लेकिन बात यह है कि उन लोगों से रिक्वेस्ट करना है, समझाना है, इसलिए अखाड़ा का निशान वगैरह जो है इसको अदब से इस्लाम से लेके जाने का चीज है, इसको लेके जहाँ तहाँ गिरा देना, कहीं घाट पे जाकर फंस जाए संभाल नहीं पा रहे हो, इलेक्ट्रिक तार में फंस जाए तो कोई हादसा हो सकता है, ये सब चीज़ को उन लोगों को समझाना है। इसी के लिए तो मीटिंग बुलाया जाता है, और उन लोगों का थाना में कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके ही बुलाया जाता है, वहाँ ही बोला जाता है इसका हिफाजत करने के लिए। जो कॉर्पोरेशन का काम होता है गाछ वगैरह ट्रिमिंग करना, वो होता है केबल का तार वगैरह हटाना है, तो केबल वाले लोग उसको बोला जाता है, हम लोग हटा देते हैं, लेकिन निशान को संभालने का काम था खलीफा का।